आपका सवाल क्या भाई साहब? मुसलमान नमाज रहेगा जन्नत में जाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं जाएंगे, ये सवाल है? बहुत मुसलमानों भाई लोग बोलते रहते हैं। आप जोर का बोलेंगे भाई साहब, जरा जोर का, बुलंद आवाज से। हाँ ये बात हुई ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ इतने इतने घंटे से बात कर, आप थक गए, बोलिए भाई साहब जी। बहुत मुसलमानों भाई लोग बोलते रहते हैं जो मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जो नमाज पढ़ते हैं वो जन्नत में जाएंगे। भाई साहब आपने पूछा है कि जो मुसलमान है जन्नत में जाएंगे, नमाज पढ़ते जन्नत, आप भी मुसलमान बनिए, आप भी नमाज पढ़िए, आप भी जन्नत में जाएंगे। हमारा हिंदू में भी है, बुद्धिस्ट भी है, बहुत ऐसा धर्म है जो उसमें बहुत अच्छे मतलब धर्म भी करते हैं। आपके हिंदुइज्म में लिखा है कि कल क्या होता रहेंगे, आपने सुने मेरी जवाब? मैंने जवाब दिया था पहले आदमी को कि आपके हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि कल के अवतार आएंगे, आपने सुने क्या नहीं? जिनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला, जिसके वालदा का नाम है आमिना, उनको एक गार के अंदर आया रेवलेशन, वही आई, आपने सुने? मैंने कहा था पहले कि आपके धर्म के किताबों में लिखा हुआ है कि कल के अवतार आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 100 जगह लिखे, कितने जगह? 100 जगह। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? जी मानते हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? जी मैं एक्सेप्ट किया हूँ। आप मानते हैं कि भगवान एक है? खुदा एक है, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मानते गलत है? नहीं सर, क्या बोले? बुद्ध परस्ती मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते? हाँ, गलत है। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ है। हला सब मुसलमान है, मुसलमान होने के लिए दो चीज की जरूरत है, पहला एक कि मानो के खुदा एक है, एक है, और बुद्ध परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। दूसरी चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, आप मुसलमान है, खलास नमाज बाद में आएगा, पहला मुसलमान तो बनिए जी। हमें तो आप देखो, मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, मानना कि खुदा एक है, हाँ जी, बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है जी, और मानो के इस भगवान का पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो चीज में मानेंगे आप मुसलमान बन गए। बाद में आस्ते आस्ते एक बार एडमिशन लो स्कूल में एडमिशन ले लिए, आस्ते आस्ते नर्सरी से जूनियर के जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, पर एडमिशन तो लो जी। हाँ तो मेरे हिसाब से आप दो चीज में मानते हैं, उसका मतलब आप मुसलमान हैं। आप बोलना चाहेंगे इसको? मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं। आप अरबी में बोलना चाहेंगे जी? मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं। आप जब मानते खुदा एक है, आज जब मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुसलमान हैं जी। हाँ कि नहीं? जी हाँ। तो आप बोलना चाहेंगे अरबी में? आप अरबी में बोलना चाहेंगे? अरबी में, अरबी के अंदर मतलब मेरे नजदीक आप मानते कि खुदा एक है जी, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है जी, ये दो चीज मिनिमम जरूरत है मुसलमान बनने के लिए, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान है जी। हाँ कि नहीं जी? तो आप अरबी में बोलना चाहेंगे जी? ओके बोलेंगे जी। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई जबरदस्ती, आप अपने दिल से करना चाहते जी, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आप अपनी मन से करना चाहते। मैं अरबी में कहूंगा आप दोहराइए अशहदु जी, मैं अरबी में कहूंगा आप उसे दोहराइए अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं, और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको भी जन्नत में डाले। और एक आदमी जब मुसलमान बनता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, जो अच्छे काम किए वो रहेंगे आपके साथ, आपके पूरे पिछले गुनाह माफ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपको जन्नत में डाले। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह आप नमाज सीखो, आस्ते आस्ते आपके मुसलमान दोस्त है क्या नहीं?
है कि नहीं? अभी आप मुसलमान से बोला मैं भी मुस्लिम हूँ, बोलो सीना ठोक के बोलना, हाँ मैं भी जानना चाहूंगा इंशाल्लाह। इस्लाम के बारे में पता नहीं था सर जी, मुझे इस्लाम के बारे में पता नहीं था, इस्लाम क्या है मुस्लिम क्या है मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। मुझे करीबन एक साल से परवेज अंसारी जी ने एक साल से उन आपके बारे में बतलाया, आपका ऐसा बहुत वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखे मेरे अच्छे लगे जी, यूट्यूब में देखा, फेसबुक में भी देखा, माशाल्लाह। अभी आप क्या कीजिए, आस्ते आस्ते इसके ऊपर अमल कीजिए जी, आस्ते आस्ते अमल कीजिए, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और आपको आपको अच्छे तरीके से इस्लाम पे अमल करे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने बाकी दोस्तों को भी ये सही रास्ते पे लेके आए इंशाल्लाह। There is another one also want to join here in the beach.